अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह फजल करम से आप सब बाखरियत होंगे। तो ये जी दीवार जो है, ये जो मेरे घर की वॉल है, मेरे ड्राइंग रूम की, ये मेरे प्यारे प्यारे निवासों ने मिलके डेकोरेट की है, क्योंकि आज है मेरे शावेज बेटे की बर्थडे। और मुझे दोपहर को खाना बनाते हुए पता चला कि आज शावेज की बर्थडे है, तो मैंने पूछा कि बेटे नानू आपके लिए केक बनाएं या मंगवाएं। तो शावेज बेटे ने कहा जी नहीं, आप केक नानू खुद बनाएं। तो फिर नानू ने केक बनाना स्टार्ट कर दिया और बच्चों ने ये छुप छुप के, मतलब कि हमें बताए बगैर, ये बैलून वगैरह जो हैं इनको वॉल पे सेट किया है। और माशाल्लाह जी हमने छोटा सा व्लॉग बनाया इस पे, आप भी देखें। कैप पकड़ाना कभी नहीं, ऐसा नहीं बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय है। माशाल्लाह जी, मैं अपने बच्चों की बातें सुन के, इनके डायलॉग सुन के महजूज हो रही थी। और वो कह रहा है छोटा शावेज अयान बेटे को कि भाई मुझे पकड़ाओ कैप, क्योंकि कैप रखे हुए घर में जब किसी की बर्थडे होती है, अक्सर बच्चे आए होते हैं और हम वो कैप निकालते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो उसने कहा जी नहीं, कैप नहीं मिलेगी। तो वो जो छोटी बहन है हुरैन, उसने कहा बर्थडे बॉय है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा डायलॉग, इसलिए फिर मैंने उसको म्यूट नहीं किया। और ये जिनानो बना रही हैं केक, और जो केक घर में बनाया जाता है यकीन करें बहुत बहुत ही मज़े का बनता है। और आज इत्तेफाक से मैंने निकाला था फ्रेश बटर और घी बनाने के लिए ना, तो फिर मैंने ऐसे किया कि ये जब मुझे दोपहर को पता चला कि आयशा भी इसकी बर्थडे है, तो मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया। और थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि जो मज़ा आता है ना घर के बने हुए केक खाने का, बहुत ही अच्छा लगता है, सबको बहुत ही पसंद आता है और साफ़ सुथरी चीज़ ना। और फिर हमने हल्का फुल्का साथ, बेटी ने बर्गर तैयार कर लिए बच्चों के हिसाब से जिस तरह के वो खाते हैं, और थोड़ा सा इस तरह के काम में तो टाइम पर लग जाता है ना। रेसिपी को तैयार करते हुए चिकन मैरिनेट करके उसने रखा, और फिर फ्राई श्राई करके उसने बर्गर असेंबल किए, और नानू ने बना लिया केक। और केक मैंने मटेरियल मेरा जो था ना काफ़ी था, माशाल्लाह मैंने दो मोल्ड जो थे ना इन दोनों में केक बनाया, और फिर भी वो बच गया मटेरियल। और फिर बच्चों को बड़ा शौक होता है कप केक का, तो फिर साथ मैंने कप केक भी बना लिए। और पहले मैं सोच रही थी मेरे पास फ्रेश क्रीम है, तो मैं इसको केक को काटती हूँ और क्रीम लगा के इसको असेंबल करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा गर्मी बहुत है, शॉर्ट शॉर्ट काम ही ठीक है। तो ऐसे ही हमने थोड़ा सारा सेलिब्रेशन कर ली, बच्चे खुश हो गए और कहीं हमें जाना नहीं पड़ा, घर में रह के घर की चीज़ों से साफ़ सुथरे सी चीज़ें, उसी से हमने टेबल तैयार कर लिया, अपना सेट कर लिया। और जनाब केक जो है, ये रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है मेरे चैनल पर, अगर आपको चाहिए हो तो आप देख सकती हैं। बहुत बहुत इजी केक है बनाने में, और खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त केक बनता है। और अगर आपने सिर्फ केक बनाना हो, तो जितना मटेरियल मैंने लिया, ये तो आप वीडियो देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा, जितना मटेरियल मैंने लिया आप उससे हाफ़ लें और उसका आप केक बना लें। तो ये जो छोटे वाला बनाए ना लंबे वाला, इतना एक केक बनाएं तो काफ़ी है। और मैं तो अक्सर ऐसे करती हूँ, किस तरह छोटा केक बना लेती हूँ और फिर ये दो तीन दिन हमारा चाय एक साथ चल जाता है, थोड़ा सा खाना होता है तो मज़ा आता है। और जी ये बच्चों ने लेज और जूसेस वगैरह खुद से ला के रखे हैं, और जनाब उन्होंने टेबल से चाह लिया। और अब शावेज साहब काटते हैं केक, तो हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी हमारे साथ करें।